पुलवामा में बारूद से लदी हुई कार वाले मामले में सुरक्षा एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक कार के मालिक की पहचान हो गई है। ये कार हिदायतुल्ला नाम के एक शख्स की है जो कि सोपिया का रहने वाला है। हिदायतुल्ला 2019 से हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी भी है। बता दें कि आतंकियों की ओर से 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले को दोहराने की साजिश थी, जिसे समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुवार को नाकाम कर दिया। पुलवामा पुलिस को जानकारी मिली थी कि आतंकी पुलवामा जैसा ही आतंकी हमला करने की योजना बना रहे हैं। रात में करीब 11:30 बजे अयान गुंड में एक सफेद कलर की सेंट्रो दिखाई दी थी। इस कार में टू व्हीलर की नंबर प्लेट थी। सुरक्षा बलों ने कार को रोकने की कोशिश की, मगर कार में बैठे हुए आतंकियों ने यू टर्न लेकर कार को दौड़ा दिया। आगे जाकर आतंकी कार छोड़कर भाग गए। कार की जब तुरंत तलाशी ली गई तो कार के अंदर से नीले रंग के एक बड़े से ड्रम में विस्फोटक भरा हुआ मिला। कार में 40 से 45 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तुरंत मौके पर बुलाया गया और तुरंत ही पास के सभी गांवों को खाली कराया गया। फिर एक छोटे से ब्लास्ट के साथ ही बम को डिफ्यूज कर दिया गया, जिसके साथ ही एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। न्यूज डेस्क। न्यूज डेस्क। न्यूज डेस्क।